हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेश और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स लर्निंग प्लेस। सो आज के इस वीडियो में हम क्लाइमेट के बारे में जानने वाले हैं। तो क्लाइमेट जो होता है वो एक एवरेज वेदर होता है एक पार्टिकुलर रीजन का, वो भी एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्लाइमेट का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर इन अ पार्टिकुलर रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जो होता है क्लाइमा, रेफरिंग टू द इंक्लिनेशन ऑफ द सन, जिसका अर्थ होता है सन का झुकाव। क्लाइमेट जो है वो वेदर जैसा नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट जो होता है वो एक एवरेज पैटर्न होता है वेदर का। एक पार्टिकुलर एक प्लेस जहाँ पे उतना रेन नहीं होता है पूरे साल में उसे कहते हैं ड्राई क्लाइमेट, और जहाँ पे पूरे साल ठंडी रहती है उसे कहते हैं कोल्ड क्लाइमेट। क्लाइमेट वेदर फोरकास्टिंग के लिए अच्छा है, और इससे ये भी पता चलता है फार्मर्स को कि सबसे अच्छा टाइम कौन सा रहेगा उनके क्रॉप्स को लगाना, और ये वेकेशन को प्लान करने के लिए भी अच्छा है। क्लाइमेट जो है उसके एलिमेंट्स वेदर के ही हैं। उसके जो टू एसेंशियल इंडिकेटर्स हैं वो ये हैं टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन को आप रेन भी बोल सकते हैं। और सब जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं वो हैं क्लाइमेट के सनशाइन, विंड, क्लाउड कवर, एटमोस्फेरिक प्रेशर और ह्यूमिडिटी। ये सब एलिमेंट्स को जब हम सिस्टमेटिकली मेजर करते हैं एक गिवन साइट का, और वो भी बहुत सालों तक, इसे एक रिकॉर्ड किया जाता है, और हम उस रीजन का इस ऑब्जर्वेशन को देख के कह सकते हैं कि इस रीजन का ड्राई क्लाइमेट है या कोल्ड। कंपेयरिंग क्लाइमेट, इंडिया को चार क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है एल्पाइन, दूसरा होता है सब ट्रॉपिकल, तीसरा होता है ट्रॉपिकल, और चौथा जो होता है वो होता है एरिड जोन। अब इसको वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहला होता है एल्पाइन जोन। या इस जोन में हिमालयस जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक होते हैं जहाँ पे पूरे साल तक स्नो पड़ते रहते हैं। सब ट्रॉपिकल जोन, इस जोन में नॉर्थन पार्ट आता है इंडिया का। यहाँ पे समर हॉट और वेट होते हैं, और ठंड में टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट तक जा सकता है वाटर के, और रेनफॉल यहाँ पे कॉमन है, और विंटर्स में यहाँ पे कोल्ड होता है और ड्राई होता है। ट्रॉपिकल जोन, इस जोन को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है ट्रॉपिकल वेट और दूसरा होता है ट्रॉपिकल ड्राई मानसून जोन। ट्रॉपिकल वेट मानसून जोन में एवरेज जो टेम्परेचर होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है, और यहाँ पे हाई रेनफॉल होता है। ट्रॉपिकल ड्राई मानसून जोन में रेनफॉल उतना कॉमन नहीं है। एरिड जोन, यहाँ पे हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल होता है। ये वेस्टर्न पार्ट होता है हमारे कंट्री का जो कि राजस्थान में है। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।